फकिंग अकेला भाई। अभी निकली है इनिशियल में, देखते हैं। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल वंस अगेन, अनदर वीडियो, अनदर ट्रैक। तो गाइज, हम लोग करने वाले हैं रिसेंटली लॉन्च बजाज पल्सर 125, जिसमें कि LED हेडलैम्प्स एंड डिजिटल मीटर दिया गया हुआ था। उसी के साथ हम करने वाले हैं कंपैरिजन TVS Raider 125 का। तो गाइज, अगर दोनों बाइकों के स्पेक्स के बारे में बात करते हैं, तो Raider जो है वो 11 PS पावर एंड 11 ही न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करती है, और दोनों ही एयर कूल्ड इंजन है। और अगर NS125 की बात करते हैं, तो ये जनरेट करती है 11.9 PS पावर एंड 11 न्यूटन मीटर टॉर्क। तो गाइस, लगभग PS पावर का 1 PS पावर के आसपास का फर्क है। बाकी अगर ऑन रोड प्राइस की बात करते हैं, तो TVS Raider लगभग 15,000 रुपए के आसपास, 20,000 रुपए के आसपास जब आई थी नई, जब TVS Raider आई थी तो 1,03,000 रुपए ऑन रोड लखनऊ की बात थी। अगर यहाँ पे पल्सर की बात करते हैं नई अभी आई है, तो 1,29,914 रुपए के आसपास की गाइस है बाइक। और गाइस, बात करते हैं ABS की, तो दोनों ही बाइकों में ना फ्रंट ना रेयर कहीं ABS नहीं दिया गया हुआ है बाकी। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस वीडियो को। और इसमें एक मोड दिया गया होता है TVS Raider में, पावर एंड इको, और कलरफुल TFT दी गई हुई है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। और गाइस, इसके एग्जॉस्ट साउंड की बात करते हैं, बहुत सूदिंग सी आवाज़ है, वो बहुत ही, मतलब TVS Raider एक हिसाब से 1,03,000 रुपये के आसपास है, तो भाई उस हिसाब से वर्थ इट है पूरी। सीट की बात करते हैं, तो सीट इसकी ज़्यादा कंफर्टेबल है कंपेयर टू NS125। बाकी LED उसकी मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है, इसकी कम अच्छी लग रही है भाई। देखो, वो नई आई, नई टेक्नोलॉजी के साथ है, तो ज़्यादा ही अच्छी लगेगी। और बाकी इसका मीटर तो आप लोग देख ही सकते हैं, उससे तो बेकार है मीटर। तो गाइज, NS की भी आवाज़ सुन लो, और इसमें एग्जॉस्ट बाहर दिया गया हुआ, उसमें अंडर बैली एग्जॉस्ट है, देख लीजिए, बिल्कुल अंडर बैली है। NS में अंडर बैली एग्जॉस्ट आते ही थे। तो गाइस, हम चलाने जा रहे हैं NS, और गौरव चलाने जा रहा है, चलो। अरे यार, NS भाई, सब गियर शिफ्टिंग अकेले भाई। अभी NS निकली है इनिशियल में, देखते हैं। NS 125 अभी आगे है, ये देखो गियर हल्का सा फंस गया था, और TVS Raider बिल्कुल चिपकी हुई है पीछे, और गौरव पेल का स्लिप स्ट्रीमिंग कर रहा है। देखता हूँ क्या हो सकता है। अंकित रुक जाओ भाई, तुम तो सराहू भागे जा रहे हो, तुमको NS 125 दे दिया तो तुम भागे जा रहे हो, Raider का तुम कम समझे हो का। गाइस, झम से लिमिटर आ गया, और गौरव लेके निकल रहा है गाड़ी। TVS Raider में शायद लिमिटर धुआं धुआं कर देगी, धुआं धुआं, समझ रहे हो ना, धुआं ऐसा धुआं करेगी पता नहीं चलेगा तुझे। गाइस, मार धम्मा धम्मा करते हुए जाऊंगा, कोई भी पकड़ नहीं पाएगा मुझे। नहीं आता इसमें लिमिटर आता, वो देखो कैसे मेरी मजे ले रहा है। गाइस, 1,03,000 रुपए आगे है और 1,30,000 रुपए पीछे है। चल छैया 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 छैया, NS 125 बगली में लगी हुई है, ज्यादा दूर नहीं है, देख सकते हो बगल में लगी हुई है बिल्कुल, क्योंकि इसमें जीरो पीछे लगा है ना, उसमें जीरो आगे लगा हुआ था, इसलिए वो आगे, इसमें जीरो पीछे लगा हुआ, इसलिए पीछे। लिमिटर ही लिमिटर मेले भाड़ी है, लेकिन अब उसने गैप मेंटेन कर लिया है, देख सकते हो उसका वेट भी ज़्यादा है, मेरा वेट कम है। Raider अभी 112-113 जा रही है, विंड ब्लास्ट भी है थोड़ा सा, लेकिन उस साइड से अगर और कितना लिमिटर दोगी यार NS, 1,30,000 रुपये खर्चा कर रहे हैं लोग। राउंड टू करेंगे तो विंड ब्लास्ट बिल्कुल फेस पे पड़ेगा मेरे, तभी फिलहाल देखते हैं। NS 125 बहुत पीछे है, तो देखता हूँ क्या हो सकता है यहाँ पर।
राउंड टू बिल्कुल करेंगे भाई, ऐसी बैटल ही है। तो गाइज अभी आप लोगों ने देखा कि आपको एक लॉजिक बता दिया कि ये 130 की आती है, वो एक 1,03,000 की आती है, तो जीरो आगे पीछे ना, इसमें आगे तो इसलिए आगे, ये पीछे तो इसलिए पीछे। बाकी गाइज अभी राइडर स्विच करते हैं, फिर देखते हैं क्या होती है। तो गाइज अब हम चलाने जा रहे हैं TVS रेडर और ये चलाने जा रहा है NS125। तो गाइज शुरू करते हैं बैटल को, इसको मैंने डाल लिया पावर मोड में। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं ड्रैग को, चलो। भाई इस बार लैग मत करना, चलो चलो चलो। भाई क्या लैग कर रही है भाई साहब। पूरा मुट्ठा खींचने पे लैग कर दे रही गाड़ी यार। TVS रेडर भाई देखो कितनी इजीली, भाई देखो उसमें लॉन्च भी परफेक्ट हुई थी, ये लॉन्च बेकार हुई थी, फिर भी देखो आराम से हरा रही है भाई NS को। ये देखो आराम से, कितने आराम से हरा रही है। आजा मुन्ना आजा मेरे लाल, आजा तू NS को हरा दे, हरा दे, मैं चाहता हूँ हरा दे, हरा हरा नहीं पा रहा है क्या? अबे भाई लिमिटर ना आ जाए, अरे यार यही होगा लग रहा मुझे। अबे भाई भाई समझ लो इसकी लॉन्चिंग बेकार थी, शिफ्टिंग बेकार था, सब कुछ बेकार था, फिर भी भाई रेडर क्या बताया, माका नाका ढेका कर दी NS की। क्या ही बताए भाई NS यार, बहुत पीछे भाई, बहुत पीछे NS, इतना पीछे क्या ही बताए। गाइस भाई जल्दी जल्दी भाग NS, जल्दी जल्दी भाग भाग NS NS। वो देख लो NS कितनी पीछे है गाइस, तो गाइज अभी आप लोगों ने देखा कि जब मैंने इसको लॉन्च किया तो इसमें मतलब एक पावर लैक हुआ कि मतलब एकदम से ऐसा लग रहा है कि पेट्रोल ही खत्म हो गया, तो वैसा कुछ हुआ। पहले तो लॉन्च में गड़बड़ी हुई, फिर दोबारा में भी वही गड़बड़ी हुई, तो उसके बाद भी भाई NS को हरा रही है वाकई में भाई साहब। 1,03,000 रुपये वर्थ इट है रेडर के लिए, ऐसा नहीं है कि NS के लिए वर्थ इट नहीं है भाई, अपनी अपनी चॉइस है, अपनी अपनी जगह है, अपना अपना पैसा है सबका, जो जहाँ चाहे वहाँ डाल सकता है। बाकी हमारा एक पर्पज़ होता है, एक वीडियो बनाने का, बाइक्स कंपेयर करने का, वो हम लोग कर रहे हैं, और आप लोगों को देख के मज़ा आई हो इसी बात पर तो लाइक मारिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, कमेंट डाउन करिए कि कौन सी बाइक किसके पास है और कौन सी बाइक इन दोनों में से खरीदने के लिए प्लान कर रहा है। तो चलिए गाइज़ बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज़।